ड्यूटी में निकले एएसआई का शव सड़क के किनारे नाले में बरामद हुआ है। अधिकारी के सिर और चेहरे में चोट के निशान मिले हैं। बताया जाता है कि एसएएफ ग्वालियर में तैनात खाक बहादुर सिंह भोपाल के कोलार रोड के रहने वाले हैं, जो एसएएफ रीवा में तैनात थे। सुबह ड्यूटी से लौटते समय एसएएफ मोड़ के पास नाले में शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस परिजनों को सूचना देने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया है। पहुंचे परिजनों ने जहां जवान की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना मानी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। क्योंकि सशस्त्र सेना का सशस्त्र बल का वो जवान है, इसलिए बोले उसकी वीडियो लाते हो जो हमारा अंतिम चरण में है। टाइम क्या होगा टाइम कर देते हैं इन बच्चों को, इन बच्चे सर 2 मिनट में करते हैं। ये जो डेड बॉडी मिली है एसएफ के जवान की, क्या है? अरे वो एसएफ के जवान हैं, वो सेकंड बटालियन ग्वालियर की ई कंपनी है। तो वो बटालियन अपने यहाँ पर कैंप है पुलिस लाइन रीवा में। वो कल रात में करीब 11:30-12 के लगभग 11:48-11:50 में वो जो एसएफ की टर्निंग है ना, एसएफ चौक की आगे आइए जब और इधर जब मुड़िए पुलिस लाइन की तरफ, वही मोड़ में वो खुली पुलिया है। पुलिया से वो नीचे गिर गए नाले में। गिरने के कारण उनको चोट आई है और पानी में भी पानी बह रहा था, तो वो जो गिरने से बेहोश हो गए और पानी डूब गए, पानी में से श्वास अवरुद्ध हो गई, ऐसा हमारा अनुमान है। इसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे आँखों में चोट लगी, वो गिरने से ही चोट आई है। वो तो कीड़े काट दिए हैं, वो जलचर नहीं होते हैं जो पानी वाले, मछली है और उसकी जो वो जलचर जल के कीड़े काटने से है, उसके आँख में कोई चोट नहीं है। जवान का नाम क्या है? जवान का नाम है उसका खग बहादुर सिंह, एएसआई हैं एसएफ के। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले कोलार रोड भोपाल के हैं। उनके परिजन आ गए? उनके परिजन, पुत्र आ गया उनका और उनके वो साढ़ू भाई हैं और उनके रिश्तेदार हैं, सब हैं।